हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो मैंने बताया था आप लोगों को कि SRS प्रिपेयर करने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के SRS को के करस्पॉन्डिंगली एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हम लोग ये बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, उन मॉड्यूल्स के क्या क्या सब मॉड्यूल्स होंगे और उनको उनके बीच में वो कैसे कनेक्टेड होंगे, ये हम लोग इस स्ट्रक्चर डिजाइन से शो करते हैं। इस स्ट्रक्चर डिजाइन को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। हम लोग इसमें साथ ही उस फंक्शन में आने वाले पर्टिकुलर फंक्शन और उस मॉड्यूल्स के सब मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। हम लोग इसमें यूज होने फंक्शन में यूज होने वाली एल्गो और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इन सभी चीजों को पहले से ही और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करके स्टडी कर लेते हैं और ये सारी चीजें हम लोग अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट में करते हैं। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका कोडिंग से पहले किया जाता है और वंस अ डिजाइन डॉक्यूमेंट गेट रेडी यू इट इज वेरी इजी टू यूज एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज टू राइट करस्पॉन्डिंग कोड। सो फर्स्ट बिफोर राइटिंग द कोड हम लोग अपना एक स्ट्रक्चर डिजाइन रेडी करते हैं हाउ द फाइनल प्रोजेक्ट विल लुक लाइक एंड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर वी स्टार्ट डूइंग द कोडिंग वर्क। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं अपना डिजाइन वर्क की बात करते हैं तो आपको बेसिकली तीन स्ट्रेटजीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जो तीन पॉपुलर हैं, तीन स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, जिसमें फर्स्ट है टॉप डाउन स्ट्रेटजी, दूसरी है बॉटम अप डिजाइन स्ट्रेटजी एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड स्ट्रेटजीज। तो हम लोग ये देखेंगे कि इन डिजाइन स्ट्रेटजीज में क्या होता है और इनके क्या एडवांटेज हैं और इनके क्या डिसएडवांटेज हैं और किस सिचुएशन में हमारे लिए कौन सी डिजाइन स्ट्रेटजीज को यूज करना बेटर होगा। तो डिजाइन स्ट्रेटजीज की जब बात करें तो आप लोग हम लोग सबसे पहले जब आप किसी भी चीज के लिए सॉफ्टवेयर अपने नॉर्मल इंडस्ट्री बात करें तो हम लोग फ्लो चार्ट का काफी नाम सुनते हैं। तो कि हम अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या उसकी वर्किंग को डिफाइन करने के लिए हम फ्लो चार्ट का बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज देखा करते हैं अपने छोटे प्रोजेक्ट्स में, बट प्रैक्टिकली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारा फ्लो चार्ट उतना प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। तो इसका रीजन ये है कि हमारे जब फ्लो चार्ट हम लोग डिजाइन करते हैं वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन वन एक्सपेक्ट एस्पेक्ट दैट हाउ द प्रोजेक्ट विल रन, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट इन विच सिचुएशंस द प्रोजेक्ट कुड स्टॉप वर्किंग और कुड जनरेट एरर। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी सिंपली राइट डाउन द स्टेप्स और डिफाइन द स्टेप ऑफ द फ्लो चार्ट हाउ द प्रोजेक्ट विल वर्क एंड वर्क वी गेट एरर वाइल डूइंग कोडिंग। सो एक बार जब आपका फ्लो चार्ट बन जाता है, जब आप उसको कोड के थ्रू आप उसकी कोडिंग लिखते हैं तो कोडिंग लिखने के बाद ही आपको पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ एरर दिस फ्लो चार्ट हैव एंड वंस यू गेट द एरर यू रिकोड रिकोड एंड यू आल्सो अल्टर द फ्लो चार्ट। इट मींस फ्लो चार्ट डज नॉट वेरीफाई एनीथिंग दैट हाउ दीज फंक्शन विल वर्क बिकॉज इन फ्लो चार्ट यू सिंपली डिफाइन अ प्रोसेस इन सिंपल वर्ड। सो इट देर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल बिकॉज ऑफ विच व्हेन द डिफरेंट मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर दे जनरेट एरर। तो इसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग एक्टिविटी हो जाती है कि हम अपने फ्लो चार्ट के करस्पॉन्डिंगली कोड लिखें और जब एक बार कोड रन करें तो उसमें आने वाले अपनी एरर्स को हम लोग क्या करें एक मॉडिफाई करते हुए अपने फ्लो चार्ट पे एरर करें और ये प्रोसेस बार बार रीकोडिंग एंड अल्टरिंग द फ्लो चार्ट इज वेरी टाइम टेकिंग। बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट प्रिफर टू यूज फ्लो चार्ट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इंस्टेड वी यूज वन ऑफ दीज स्ट्रेटजीज टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटजी बॉटम अप डिजाइन स्ट्रेटजीज और हाइब्रिड अप्रोच। तो फर्स्ट वी शैल गो थ्रू वन बाय वन द फर्स्ट वी स्टार्ट विद टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटजी। तो टॉप डाउन डिजाइन स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पूरा प्रोजेक्ट
टॉप लेवल पे मौजूद है. देन वी डिवाइड दिस प्रोजेक्ट इनटू द मेजर फंक्शनैलिटी और मॉड्यूल, मेजर मॉड्यूल्स दैट दिस प्रोजेक्ट विल हैव. और हम इस प्रोसेस को इस तरह से हम अपने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को अपने फर्दर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और वो मॉड्यूल भी आगे फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं. सो ये डिजाइन का प्रोसेस हमारा आगे बढ़ता रहता है. और जब हमारे पास हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिकेशन के पे पहुंच जाता है एंड इट इज डिफाइंड और डिफाइंड टू डू सम स्पेसिफिक टास्क ओनली, देन वी स्टॉप देयर. सो टॉप डाउन अप्रोच में ये फायदा है इसमें कि आप लोग मॉड्यूल्स को टॉप लेवल पे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मानते हैं एज अ होल सिस्टम एंड यू कीप ऑन डिवाइडिंग दिस फर्दर टिल ईच ऑफ द सब, ईच सब मॉड्यूल हैव एन स्पेसिफिकेशन, हैव अ स्पेसिफिक टास्क टू डू. तो टॉप डाउन अप्रोच काफी ठीक लगता है, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में आपकी एक शॉर्टकमिंग भी है कि टॉप डाउन अप्रोच को आप देखिए, टॉप डाउन अप्रोच कुछ इस तरह से दिखाई देगा. पहले इस डायग्राम में देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो लोअर लेवल सब मॉड्यूल हैं, दे आर कनेक्टेड टू मोर देन वन मॉड्यूल लाइंग एट हायर लेवल. सो दिस इज अलाउड. देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज सब कॉमन सब मॉड्यूल मे बी एक्सेसिबल बाई मोर देन वन मॉड्यूल. सो इट्स ओके, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. तो ये मॉड्यूल आपका टॉप डाउन स्ट्रेटजी होती है. ये वो तभी यूज की जाती है जब आपको अपने प्रॉब्लम की डिटेल नॉलेज हो. तो लेकिन ऐसा होना हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता. जैसे कि मानिए आपको अगर एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि यूनिक्स एक फ्रीवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. और अगर आपको यूनिक्स बनाना है तो फॉर अ न्यू डेवलपर इट इज नॉट पॉसिबल टू इमेजिन एवरी functionality that a unique new operating system will do. It is quite possible that some of the point or aspect may got missing, and because of that he need to recode all the things again. So is wajah se aapka top down approach wahi use ho sakta hai jahan par aapko pure system ke bare mein detail knowledge ho, kyunki agar aapne level of yaar aisa hona bahut mushkil hota hai because in some innovative fields and large size project it become very difficult to decide initially ki what will be the major modules in the project. To lekin iska use aapka kiya jata hai, isliye kiya jata hai ki agar aapko detail nahi pata hai tab aap isme aap log shuruaat mein association hone ke bawajood bhi jab specification hi clear na ho tab aapko is approach ke sath aage hi badhna padta hai. लेकिन जब आपको काफी चीजें शुरुआत आप कर रहे हो, आपको क्लैरिटी ना हो, तो आपको टॉप डाउन अप्रोच के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है. क्योंकि आप शुरुआत में कोडिंग करेंगे तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन लेवल से स्टार्ट नहीं किया तो आपको बार बार अपने पार्टीशन नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होगी और आप अपने नए इनोवेटिव या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को पहले अलग अलग मेजर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं and then you focus on one particular part and you keep on further divide and keep on dividing these modules into sub modules till you get all the possible functionality that the client or the client expect from the project. So ye aapko use karna hi padta hai ki innovative field mein aur un fields mein jahan aapko bahut idea nahi ho, lekin iska best use tabhi ho sakta hai jab aapko wo cheeze bahut, ये डिवाइड करना आसान काम नहीं है. ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उस फील्ड की बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हो लेकिन आप उसके बारे में फुली श्योर ना हो. बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. देखिए आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज है बट यू आर नॉट वेरी श्योर इन द बिगनिंग व्हाट द डिफरेंट मॉड्यूल प्रोजेक्ट विल हैव. तो आपको नॉलेज है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, देन यू प्रिफर दिस स्ट्रेटजी. तो ये स्ट्रेटजी आपके साइंटिफिक एप्लीकेशन जहाँ इनोवेटिव फील्ड्स होते हैं या यूटिलिटी प्रोग्राम जिनको कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई होती है वहां पे इसको ज्यादा यूज किया जाता है. तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज द बॉटम अप स्ट्रेटजी. तो बॉटम अप स्ट्रेटजी होती है, इसमें हम लोग अपने जो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट होते हैं
जो स्पेसिफिकेशन हमें क्लियर होता है, हम बेसिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं और डिजाइन कर लेते हैं, और उनको डिजाइन करने के बाद हम सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स को हम लोग को मिक्स आपस में कंबाइन करके हायर लेवल कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं, एंड दीज हायर लेवल कंपोनेंट्स आर अगेन मर्ज टुगेदर अंडर अ कॉमन मॉड्यूल्स अंटिल वी रीच अप टू द फाइनल लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन वेयर दे कंबाइंड एज अ फाइनल प्रोजेक्ट। तो बॉटम अप स्ट्रेटजी में आप लोग बॉटम अप स्टार्ट करते हैं, आप स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, एंड यू ग्रुप टुगेदर दीज कंपोनेंट्स अंडर अ सिंगल मॉड्यूल्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द मॉड्यूल्स गोज ऑन टिल वी रीच अप टू द फाइनल लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन। तो इस अप्रोच में ये प्रॉब्लम, इस अप्रोच को आप लोग, ये है कि आप इसमें ज्यादा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच पे यू हैव इज लाइक दैट कि आपको आगे बढ़ना है, आपको नहीं पता तो आपको जैसे फॉग में होता है, आपको नहीं दिख रहा कितना आगे जाना है, तो आप कुछ स्टेप बढ़ाते हैं। फर्स्टली यू आर नॉट वेरी क्लियर द हाउ मेनी डिफरेंट मॉड्यूल द प्रोजेक्ट विल हैव, तो आप उसको छोटे छोटे सब मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बॉटम अप्रोच उसका आपको अपोजिट है, जितने आपको स्पेसिफिक मॉड्यूल है बॉटम लेवल पे, आप उनको डिजाइन करने के बाद आप उनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हाउ दे विल बी कंबाइंड टुगेदर। तो आपको बॉटम अप अप्रोच में थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलता है अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस असेस करने का। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपके इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बॉटम अप ट्री स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि आपके जो एक मॉड्यूल है वो एक साथ दो या तीन लेवल के मॉड्यूल से कनेक्टेड है। तो बॉटम अप अप्रोच में आप लोग एक मॉड्यूल का हाई, कई डिग्री हाई हो सकती है, वो एक से ज्यादा लेवल के मॉड्यूल से कनेक्टेड हो सकता है। इट्स ओके एंड इट्स अलाउड। तो ऐसा इसमें किया जा सकता है। अब हम बॉटम अप अप्रोच का यूज कहाँ पे करेंगे? तो बॉटम अप अप्रोच का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट स्पेसिफाइड। जहां पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं स्पेसिफाइड है, उसमें क्या क्या होगा आपको मेजर मॉड्यूल्स के पता है, और उस तरह का एक एग्जिस्टिंग सिस्टम पता है कि उसकी फंक्शनैलिटी आपको पता है, आप उसको कंबाइंड करके एक दूसरा बेटर सिस्टम या एक उसी तरह का दूसरा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी ज्यादातर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज की जाती है। तो इसमें आपको टॉप डाउन अप्रोच में जहां आपको शुरू में क्लियर नहीं पता तो आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ फंक्शनैलिटी बना के काफी बेटर क्लियर आइडिया ले लेते हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना तो हम प्योरली बॉटम अप्रोच यूज करते हैं, ना हम प्योरली टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, बल्कि हम लोग इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसको कहा जाता है हाइब्रिड अप्रोच। तो हाइब्रिड अप्रोच जो होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। और आप सोचें कि अगर प्रैक्टिकली आप केवल टॉप डाउन अप्रोच का यूज करें या बॉटम अप अप्रोच का यूज करें, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकली यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच। For the innovative project, you must have to start with the top-down approach. But for the final, to get a better idea of the project, you should also design the most specific component. And then combining these together, you will get a better idea of the software design. And that is called the hybrid design approach. So, ये तीन strategies हैं, तो जिनका use करते हुए हम लोग किसी software को design करते हैं। तो, thank you.